हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने पांचवे लेक्चर के लिए मिल रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने मेरे सारे लेक्चर्स पहले के देख लिए हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है, मेरे चैनल पर नया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको सारे लेक्चर्स के लिंक मिल जाएंगे। पहले उन लेक्चर्स को देखिए एंड देन कम बैक टू द फिफ्थ लेक्चर। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इफ आप चाहते हैं कि मेरी जो नई वीडियो अपलोड हो रही है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, बेल आइकन को जरूर दबाइए। आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दो ही प्रकार से, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस दो ही प्रकार से आपस में जोड़ा जा सकता है। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम लोग एक एक करके दोनों कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे, उसके डेरिवेशन को भी देखेंगे और हम ये भी पता करेंगे कि रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल से समझाया जाए कि सीरीज और पैरेलल आप कभी भी गलत ना करें एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं आज के दिन, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोगों को क्या करना होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम क्या करते हैं, रजिस्टर्स को इस तरह का जो सिंबल होता है इसको रजिस्टर बोलते हैं। रजिस्टर्स को आपस में कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, कुछ इस तरीके से हम जोड़ते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एक बैटरी के साथ विद द हेल्प ऑफ की आपस में जोड़ देते हैं। देखिएगा इस रजिस्टर का नाम क्या दे रहा हूं, R1 रजिस्टर है, ये रजिस्टर क्या है R2 रजिस्टर है, ये रजिस्टर क्या है R3 रजिस्टर। हम लोग जनरली तीन रजिस्टर को ही लेकर चलते हैं, लेकिन दो से ज्यादा रजिस्टर या मैं बोलूं एक से ज्यादा रजिस्टर अगर आपस में जोड़े जाएं तो वो तीन ही प्रकार से जोड़े जा सकते हैं, या तो सीरीज में जोड़ा जाएगा, नहीं तो पैरेलल में जोड़ा जाएगा, और सीरीज पैरेलल का मिक्सचर भी कई बार रहता है, कुछ चीजें सीरीज में है कुछ चीजें पैरेलल में है। तो फिलहाल जो भी हम देख रहे हैं वो क्या है, हम सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने तीन रजिस्टर को आपस में सीरीज में जोड़ा है। अब मुझे ये पहचान में कैसे आएगा कि ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, उसको समझने के लिए दो तीन बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। पहली बात जो आपको याद होनी चाहिए, देखिए किसी भी रजिस्टर का दो एंड होगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और दूसरा एंड पॉइंट होगा। फिर दूसरा रजिस्टर है उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका एंड पॉइंट है। तीसरा रजिस्टर का भी स्टार्टिंग पॉइंट है और उसका भी एंड पॉइंट है। अगर पहले रजिस्टर के एंड पॉइंट से, ध्यान दीजिएगा, पहले रजिस्टर के एंड पॉइंट से दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट अगर ऐसे जुड़ा हुआ है तो उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, सीरीज में बोलते हैं। कि रजिस्टर्स किस में लगे हुए हैं, सीरीज में। पहले रजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ा हो, फिर दूसरे रजिस्टर का एंड पॉइंट तीसरे रजिस्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से, ऐसे अगर वो जुड़ता चला जा रहा है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्लियर। अब सीरीज कॉम्बिनेशन आप देख भी सकते हैं, डायग्राम में मैंने दिखाया है, पहले रजिस्टर का एंड पॉइंट दूसरे रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट आपस में जोड़ दिया, सेकंड रजिस्टर का एंड पॉइंट थर्ड रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट आपस में जोड़ दिया, और इन तीनों को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ रखा है। पहली बात, रजिस्टर सीरीज में है कि पैरेलल में है पहचानने के लिए पहली बात है किस तरह से कंबाइन किया हुआ है। दूसरी बात का ख्याल रखना, जब कभी भी आप रजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं देन द करंट रिमेंस कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल एकदम गांठ बांध के याद रख लीजिए। इन सीरीज, लिख देता हूं मैं यहां पे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेंस कांस्टेंट।
the current remains constant. ये बिल्कुल इतना important point है, इसको बिल्कुल से याद रखना है। जब कभी भी आप resistors को series में जोड़ते हैं, current हमेशा उसका क्या रहता है? Constant रहता है। यानी I is equal to क्या रहने जा रहा है? इस series circuit का constant रहने जा रहा है। आपको याद है मैंने बताया था, अगर किसी circuit में voltage हम apply करते हैं, तो as an effect क्या पैदा होता है? Current पैदा होता है। वोल्टेज लगाया तो करंट पैदा होगा ही होगा। करंट पैदा हो गया तो मैंने अभी वहां लिखा है इस पूरे में सेम करंट फ्लो करने जा रहा है। इस पूरे सर्किट में कौन से करंट फ्लो कर रहा है? सेम करंट। तो मैंने आपको दो चीजें समझा दी, पहला ये जुड़ता कैसे है, दूसरा इसका करंट कांस्टेंट है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका भी ख्याल रखिएगा। अगर हमने V वोल्टेज सोर्स से सोर्स के जैसे लगा के रखा हुआ है, तो यहां से यहां तक का ड्रॉप टोटल ड्रॉप V ही होगा। ऑब्वियस है, रेजिस्टेंस पे हर रेजिस्टेंस को जैसे ही करंट क्रॉस करता है वहां पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा तो सपोज कर रहा हूं मैं कि वोल्टेज हमने कितना ले रखा है, 5 वोल्ट ले रखा है। अगर ये 5 वोल्ट पे है और इधर 0 वोल्ट है, ये 5 से 0 होने के लिए रास्ते में कुछ ना कुछ घटते जाना चाहिए। अगर रास्ते में घटेगा नहीं तो ये 5 से 0 पहुंचेगा कैसे? 5 से 0 पहुंचने के लिए रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस पे थोड़ा-थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हर रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करवाता है। याद रखिएगा ये सिर्फ और सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में ही संभव है कि वोल्टेज जैसे ही एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। उस हिसाब से अगर मैं पहला रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा हूं तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा? V1। अगर मैं दूसरा रेजिस्टेंस क्रॉस कर रहा हूं उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको मैं क्या बोल रहा हूं? V2। और जो तीसरा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा? V3। और ये तीनों ड्रॉप को मिला देने के बाद कितना होना चाहिए? V के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूं? V is equal to V1 plus V2 plus V3। अगर ये रास्ते में ऐसा ड्रॉप नहीं हुआ तो 5-0 में कन्वर्ट कैसे होगा? रास्ते में कुछ ना कुछ कम होना चाहिए ना। आपके पास 5 केजी चावल है और घर जब पहुंचे आप दुकान से चले, 5 केजी चावल था, घर पहुंचे आपके पास 0 केजी चावल है। अगर 5 केजी 0 केजी में कन्वर्ट हुआ इसका मतलब है रास्ते में आपने किसी को 2 केजी, किसी को 1 केजी, किसी को 2 केजी ऐसे बांटते आए हैं। ये जो कांसेप्ट मैं समझा रहा हूं वो भी कुछ वैसा ही है। अगर यहां पर मेरे पास 5, एक एग्जांपल ले रहे हैं, 5 वोल्ट है और इस तरफ 0 है, तो इस रास्ते में ये 5 वोल्ट कंज्यूम हो गया होगा। कंज्यूम कहां पे होगा? रेजिस्टेंस ही वोल्टेज को कंज्यूम करता है। कैसे मुझे पता चलेगा? आपको पता है ना V is equal to किसके बराबर होता है? IR के बराबर होता है। वोल्टेज इज इक्वल टू I into R। अब V1 को क्या लिखेंगे? I into R1। V2 को क्या लिखेंगे? I into R2 एंड V3 को क्या लिखेंगे? I into R3। आपके मन में डाउट आना चाहिए कि सर आपने ये I लिखा, I1, I2, I3 क्यों नहीं लिखा? अभी आपने समझाया था ना, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट रिमेंस कांस्टेंट। तो करंट चूंकि कांस्टेंट रह रही है तो हम I1 I2 I3 ना लिख के I ही लिख सकते हैं। अब V1 V2 V3 आर दी वोल्टेज जो रास्ते में ड्रॉप हुआ, किसकी वजह से ड्रॉप हुआ? R1 R2 R3 की वजह से, और करंट तो वहां से क्रॉस कर ही रहा था। अब इस तीनों वैल्यूज को क्या मैं यहां 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 पुट कर सकता हूं? पुट करिए, V is equal to IR1 plus IR2 plus IR3। इस स्टेप तक अगर किसी को डाउट है तो मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर यहां तक मुझे नहीं समझ में आया, टाइम डाल देना, क्वेश्चन पूछ लेना, आई विल रिप्लाई टू इट। ठीक है, अब आगे देखो। अब ये V1 V2 V3 तो समझ में आ गया। अब ये वाला जो वोल्टेज है, ध्यान से देखना इस वोल्टेज को, क्या मैं इस वोल्टेज को V is equal to I into R equivalent लिख सकता हूं? V is equal to I into R equivalent। इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जो ऊपर मैंने सर्किट बनाया है
उसी सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे। इस सर्किट के इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट मतलब इस तीनों आर की जगह पर, इस तीनों आर की जगह पर अगर मैं एक ही रेजिस्टेंस यूज करूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, यही मुझे पता करना है। आर इक्विवेलेंट, तो ये आर इक्विवेलेंट क्या होगी? करंट आपने सेम रखा है, वोल्टेज आपने सेम रखा है, ये आर इक्विवेलेंट है। तो इस तरीके से V इज इक्वल टू IR लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, हाँ लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो क्या मैं V इज इक्वल टू I इक्विवेलेंट लिख सकता हूं? मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूं V इज इक्वल टू I इनटू R इक्विवेलेंट। यहां से क्या मैं I कॉमन ले सकता हूं? मैंने कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल, R इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या बन गया? R1 प्लस R2 प्लस R3, और उसको मैंने डब्बे में बंद कर दिया। और उसके नीचे ये तो ये फॉर्मूला आर इक्विवेलेंट का आ गया, मतलब इसके जगह पर अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस डालूं तो इस तीनों रेजिस्टेंस के बराबर अगर कोई सिंगल रेजिस्टेंस है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। डन। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बार मुझे तीन ही रेजिस्टेंस दिया जाएगा, हो सकता है पांच हो सकता है दस हो। तो सीरीज में अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो मुझे क्या करना चाहिए? फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, फॉर एन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन तक। अब एन कुछ भी हो सकता है, एन कुछ भी हो सकता है। आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डॉट 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 आर एन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जहां पे एन रजिस्टर्स अलग अलग लगे हुए। अगर ये अलग अलग ना होकर सेम रेजिस्टेंस यानी वैल्यू ऑफ रेजिस्टर सेम रहने जा रही है, सपोज करो सारे में 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम है या 2 ओम 2 ओम 2 ओम है, तो उसके जगह पर क्या होगा? तो आप क्या लिखोगे? इफ सेम रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड तो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन टाइम्स आर। कैसे आया? R equivalent is equal to R plus R plus R dot 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 जितने बार आप लगाओगे तब तक R लिखेंगे। R equivalent is equal to हर टाइम अगर आप जोड़ोगे तो क्या होगा? 1 2 3 कब तक? N times तो NR, R equivalent क्या होगा? NR के बराबर होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी देखना पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, वापस से जैसे मैंने आपको सीरीज में बताया, कनेक्शन से हम पता कर लेते हैं कि सीरीज में लगा हुआ है या फिर पैरेलल में लगा हुआ है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक चीज ध्यान रखना, सपोज अपन एग्जांपल ले रहे हैं कि तीन रजिस्टर्स हैं, तीनों रजिस्टर्स के स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पे और तीनों रजिस्टर्स के एंड पॉइंट एक जगह पे। ध्यान से समझना, सीरीज में क्या बोला था? फर्स्ट रजिस्टर का एंड और सेकेंड रजिस्टर का स्टार्टिंग अगर जुड़ा हुआ हो देन इट इज इन सीरीज। पैरेलल में बोल रहा हूं जितने भी रजिस्टर्स लगे हुए हैं उन सारे का स्टार्टिंग पॉइंट एक जगह पे और सारे का एंड पॉइंट एक जगह पे अगर हो एंड देन जो सर्किट बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल सर्किट बोलते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में बना हुआ सर्किट बोलते हैं। आप डायग्राम से समझने की कोशिश करना, देखो सपोज करना ये एक रजिस्टर है, ये एक रजिस्टर है और ये एक रजिस्टर है। हमने तीन रजिस्टर लिया, तीनों रेजिस्टेंस को हमने क्या किया है? तीनों रजिस्टर्स को हमने, इसको R1 बोल रहा हूं, इसको R2 बोल रहा हूं, इसको R3। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। सिमिलरली ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका एंड पॉइंट है और ये इसका एंड पॉइंट है। सारे के स्टार्टिंग पॉइंट को एक जगह पे, सारे के एंड पॉइंट को एक जगह पे और उसको जब हमने बैटरी की मदद से करंट सप्लाई किया है तब जो सर्किट जनरेट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला सर्किट कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वी वोल्ट अप्लाई कर दिया, करंट तो अभी यहां से आई जा रहा है। अब सीरीज सर्किट में मैंने आपसे क्या बताया था? एक सेकेंड जो पॉइंट बताई थी वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बताया था?
in series combination, the current remains constant. Parallel combination के लिए भी ऐसे ही एक important point बोल रहा हूँ, इसको कहीं पे mark करके बिल्कुल लिख लेना. In parallel combination, the voltage always remains constant. In parallel combination, the voltage always remains constant. मैं लिख देता हूँ इस बात को. In parallel combination, the voltage always remains constant. वोल्टेज अगर कांस्टेंट यूज ऐसे लिखेंगे ना, V is equal to constant, ठीक है. अब V constant है इसका मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सेम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सेम, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो भी सेम, यानी इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा, V ही होने जा रही है, V ही होगी. अब यहां पर क्या होता है, जो करंट यहां से चलना स्टार्ट किया है, जैसे ही इस पॉइंट पर आएगा, वहां पे याद रखिएगा सीरीज में क्या हो रहा था, करंट को सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा था जाने के लिए. यहां पर करंट को कितने रास्ते हैं, तीन रास्ते हैं. करंट विल बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. पहले पार्ट में सपोज R1 लिखा है, मैंने यहां I1 लिख रहा हूं, यहां पे I2 लिख रहा हूं और यहां पे I3 लिख रहा हूं. तीन पार्ट में करंट डिवाइड हो गया, ठीक है. अब अगर तीन पार्ट में करंट डिवाइड हुआ है तो क्या मैं I is equal to I1 plus I2 प्लस I3 लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं, क्योंकि करंट तीन भाग में डिवाइड हो गया है. यहां से I करंट आया, एक फर्स्ट वाली सर्किट में जहां पे R1 लगा था वहां I1 गया, दूसरी वाली सर्किट में I2 गया, तीसरी वाली सर्किट में I3 गया. इस एंड पर भी जरा ध्यान देना, I1 यहां से आएगा वापस, I2 यहां से और I3 यहां से, और फिर तीनों मिलकर इस पर क्या बन जाएंगे, I बन जाएंगे. तो अगर ये आई ही टूट के तीन भाग में डिवाइड हुआ है और फिर वही तीनों I1 I2 I3 मिलकर I बना रहा है, क्या मैं ये लिख सकता हूं, ठीक है. अब देखना यहां पे एक और चीज, V is equal to IR, ये ओम्स लॉ से आपने रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया था. अब मुझे अगर I निकालना है तो क्या मैं V by R लिख सकता हूं, देख के बताना. अगर V is equal to IR से मुझे I निकालना है तो कैन आई राइट दिस V by R. अगर मैं V by R लिखता हूं, I1 को क्या लिखूंगा, I1 can be written as voltage तो same रहने जा रही है, voltage will remain same. मैं V1 ना लिख के V by R1 लिख दूं, I2 को क्या लिखूंगा, V by R2, और I3 को क्या लिखूंगा, V by R3. यहां तक कोई दिक्कत, I1 I2 R3 की जो value है उसको मैं यहां replace कर रहा हूं, तो I is equal to क्या लिखेंगे, V by R1 plus V by R2 plus V by R3. एक बार ध्यान देना, हम लोग ये कितने सर्किट कितने रेजिस्टेंस के लिए निकाल रहे हैं, सिर्फ तीन, जरूरी नहीं है हर बार तीन ही हो, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, तीन स्टैंडर्ड मान के हम डेरिवेशन कर लेते हैं. जनरल फार्मूला जब n रेजिस्टर्स के लिए लिखूंगा वो मैं लिखवा दूंगा, उसके हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना. n 2 होगा तो 2 के लिए, 3 होगा तो 3 के लिए, 4 होगा तो 4 के लिए, ठीक है. और जितना जैसा दिया गया होगा उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करना है. अब यहां देखो, आपने I1 I2 I3 लिख लिया, अब क्या इस I को मैं क्या लिख सकता हूं, इस I को क्या लिख सकते हैं, V by I, और ये I क्या हो जाएगा, R equivalent. इसका क्या मतलब है, इसके जगह पर अगर एक सिंगल सर्किट बनाई जाए, इसके जगह पर अगर एक सिंगल सर्किट बनाई जाए तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू R equivalent, वोल्टेज अभी भी V रहेगा और यहां से करंट जो है वो क्या निकलने जा रहा है, I निकलने जा रहा है. तो इस रेजिस्टर, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के जगह पर अगर एक सिंगल रेजिस्टर मुझे यूज करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, R इक्विवेलेंट होगी. अब इसके लिए अगर मैं फार्मूला लिखूंगा तो ये लिखूंगा ना, क्या लिखूंगा, I is equal to V by R इक्विवेलेंट. इसको मैं क्या करता हूं, यहां से वहां प्लेस कर देता हूं, V by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 by R1 plus V2 by R2 plus V3 by R3. ध्यान से देखना,
क्या मैं यहां से v कॉमन निकाल सकता हूं? मैंने v कॉमन निकाल लिया, क्या लिखूंगा? 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, v से v कैंसिल, 1 upon r equivalent is equal to 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। तीन रजिस्टर्स का फार्मूला आपके बन के आ गया, 1 upon r equivalent is equal to 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। अगर ये तीन ना हो के n होंगे तो क्या लिखेंगे? For n number of registers, for n number of registers, अगर ये n number of registers के लिए हुआ तो क्या लिखोगे? 1 upon r equivalent is equal to 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 + dot 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 1 upon rn। अब इस फॉर्मूले को डब्बे में बंद कर लो और ये ही फॉर्मूला ध्यान रखना, दो हो तो सिर्फ दो लेना, तीन हो तो तीन लेना, चार हो तो चार लेना, n हो तो n लेके सॉल्व कर लेना, ठीक है? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से वो डिराइव होता है। मैं ऐसा करता हूं, ये मिटा देता हूं यहां पे, ठीक है? आपने अगर डेरिवेशन लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा के और वो आपको क्लियर कर देता हूं, फार्मूला वही रहने दे रहा हूं। देखिए, इफ टू रजिस्टर्स आर देयर हैविंग, सपोज पहला कर लेते हैं डिफरेंट वैल्यू, फर्स्ट कर लेते हैं डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू मतलब r1 एंड r2, तो r इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होगा? 1 upon r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 + 1/r2। इसको थोड़ा सॉल्व करो, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेना r1 r2 r2 + r1, और r इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या आ जाएगा? r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 + r2। ये ना एकदम झटपट में यूज करने के लिए, अगर सिर्फ दो रजिस्टर दिया है डायरेक्टली r इक्विवेलेंट का फार्मूला पैरेलल के लिए क्या होता है? r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 + r2। अब इफ सेकंड पॉइंट डिफरेंट वैल्यू था, सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेम वैल्यू हो जाए, अगर सेम वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा? ये देखो क्या, पहले लिख लेते हैं, r1 is equal to r2 is equal to r, अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो आप r इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? r इक्विवेलेंट लिखोगे r1 r2 मतलब r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r, और r इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा? 1r से 1r कैंसिल, r / 2। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अगर दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, सपोज पहला रेजिस्टेंस 5 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस 5 ओम का, बिना सॉल्व किए अगर दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के यानी सेम रेजिस्टेंस के लगे हुए हैं, उसका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है वो आधा हो जाता है, r equivalent is equal to r by 2। 10 ओम पैरेलल में लगा है, रिजल्टेंट कितना आएगा? 5 ओम। 20 ओम पैरेलल में लगा है, रिजल्टेंट कितना लगेगा? 10 ओम। 40 40 दिया हुआ है अगर पैरेलल में, रिजल्टेंट कितना होगा? 20 ओम। समझ में आ गया? तो सीरीज का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, पैरेलल का कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। अब इसके बाद जो लेक्चर मैं बनाऊंगा उसके अंदर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर मैं आपको सीरीज के भी प्रॉब्लम करवाऊंगा, पैरेलल के भी प्रॉब्लम करवाऊंगा और सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के भी प्रॉब्लम करवाऊंगा, ठीक है? अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू।